फेसबुक में नेम कैसे चेंज करते हैं। सो फ्रेंड, आज के वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने फेसबुक का नाम उसे आप कैसे चेंज कर सकते हैं, जो कि इस वीडियो में आपको लाइव प्रूफ के साथ हम आपको चेंज करके दिखाएंगे। तो वीडियो में आप शुरू से लेकर एंड तक बने रहिएगा, एंड इस वीडियो को आप अभी तक लाइक नहीं किए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे ही रिलेटेड वीडियो देखने को मिलता है जिससे कि आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा हो सके। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं मैं अपने इधर फेसबुक को ओपन कर रखा हूँ, एंड आपको भी ओपन कर लेना है। एंड फेसबुक को ओपन करने से पहले आप सभी से हम आपको एक बात बता दें कि सबसे पहले तो इधर आपको क्या करना है, इधर आपको प्ले स्टोर में आ जाना है। देन आप जैसे ही प्ले स्टोर में आते हैं तो इधर आपको क्या करना है, इधर आपको ऐसे फेसबुक इधर लेकर आपको ऐसे सर्च कर देना है। जैसे आप इधर फेसबुक लेकर सर्च करते हैं तो इधर आपको देखने को मिली है फेसबुक। एंड अगर आपके पास इधर ओपन वाला ऑप्शन दिखा रहे हैं तो सही है, एंड अगर आपके पास इधर अपडेट वाला ऑप्शन दिखा रहे हैं तो इधर आपको क्या करना है, इधर आपको अपडेट, इससे क्या होगा फेसबुक का जो भी फीचर आया होगा वो आपको इधर देखने को मिल जाता है। और ये भी प्रॉब्लम आ सकता है आप में कि अगर आप फेसबुक को अपडेट ना करते हैं तो आपका जो नेम है वो चेंज ना हो, ठीक है। एंड उसके बाद इधर आपको क्या करना है, ये सब कर लेना है। उसके बाद इधर आपको क्या करना है, सिंपल से अपने फेसबुक को इधर आपको ओपन कर लेना है। एंड अगर आप फेसबुक लाइट भी यूज करते हैं तो कोई बात नहीं, मैं जो आपको तरीका बताने वाला हूँ वो दोनों में वर्क करेगा, यानी कि फेसबुक में भी और फेसबुक लाइट में भी। एंड उसके बाद इधर आपको क्या करना है, सिंपल से अपने फेसबुक को ओपन, जैसे आप अपने फेसबुक को ओपन करते हैं तो आपके सामने एक नया पेज देखने को मिल जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं इधर अपने फेसबुक को ओपन कर लिया हूँ, एंड आपको भी ओपन कर लेना है। एंड उसके बाद इधर आपको क्या करना है, इधर आपको होम स्क्रीन पर आ जाना है। जैसे आप इधर आ जाते हैं एंड उसके इधर आपको देखने को मिले ऊपर साइड में इधर आपको थ्री डॉट वाला ऑप्शन, इधर आपको राइट साइड में देखने को मिले ऊपर साइड में थ्री डॉट वाला ऑप्शन, सिंपल से इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपका जो प्रोफाइल है वो देखने को मिल जाता है। अगर आप फोटो लगाए होंगे तो देखने को मिलेगा, अगर आप नहीं लगाए होंगे तो नहीं देखने को मिलेगा। तो इधर आपको क्या करना है, सिंपल से अपने प्रोफाइल वाला आइकन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपका जो नेम हो वो देखने को मिल जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा इधर अनीश कुमार, लाइव प्रूफ के साथ हम आपके सामने चेंज करके दिखाएंगे। तो इधर आपको क्या करना है पड़ेगा, अपने नेम को चेंज करने के लिए अगर आप इस पर क्लिक करते हैं, इधर एडिट वाला प्रोफाइल वाला है तो इधर आपको कहीं भी नहीं देखने को मिलेगा। कैसे आप अपने नेम को आप इजीली चेंज कर सकते हैं, इधर आप कहीं भी खोज लेंगे तो नहीं मिलेगा। तो इधर आपको क्या करना है, सिंपल से आपको इधर से बैक आ जाना है। बैक आप जैसे आते हैं तो इधर आपको क्या करना पड़ेगा, इधर आपको ऐसे आ जाना है जैसे कि मेनू में इधर आया हूँ, जैसे कि आप देख से मैं इधर आ गया। एंड उसके बाद इधर आपको क्या करना है, कुछ इस तरह का आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे आप स्क्रॉल डाउन करते हैं तो इधर आपको देखने को मिलेगी इधर आपको सेटिंग है प्राइवेसी, ठीक है, सेटिंग है प्राइवेसी, इस पर क्लिक। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो फिर से आपको एक नया पेज देखने को मिल जाता है जो कि आप सेम प्रोसेस वही है, सिंपल से आपको फिर से इधर सेटिंग वाला ऑप्शन पर आपको इधर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेटिंग वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो फिर से आपको इधर थोड़ा सा वेट करना है। वेट आप जैसे ही करते हैं तो इधर आपके सामने बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल जाता है। उसके बाद इधर आपको क्या करना पड़ेगा, इधर आपके सामने तो बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो इधर आपको करना कुछ नहीं होता है, सिंपल से आपको इधर ऊपर साइड में देखने को मिलेगा इधर आपको पर्सनल एंड अकाउंट इन्फॉर्मेशन, इधर आपको ऊपर साइड में देखने को मिल जाएगा, सिंपल से इस पर क्लिक कर देना है। इस पर आप जैसे क्लिक करते हैं तो आपका जो नेम हो देखने को मिले, जैसे कि कॉन्टैक्ट इन्फो, आइडेंटिटी कार्ड फॉर्म, ये सब आपको इधर देखने को मिल जाता है। तो अगर आपको अपने नेम को चेंज करना है फेसबुक वाला, तो आपको इधर नेम चेंज करने के लिए सिंपल से नेम वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो उधर आपको थोड़ा सा वेट आप जैसे करते हैं तो आपका जो भी नेम हो वो देखने को आपको इधर, जैसे कि आप देख से मेरे इधर ओल्ड वाला नेम देखने को मिल रहा है, एंड नीचे साइड में आपको शेयर नेम भी देखने को मिल रहा है। मैं इधर मिडिल नेम नहीं लगाया हूँ इसलिए मेरा ऐसा नहीं दिखा रहा। अगर आप अपने नेम को चेंज कर लेते हैं तो आपका जो नेम है वो फिर 60 दिन के बाद ही चेंज होगा। एंड आपको ये बात ध्यान में रखना है कि अगर आप एक बार अपने नेम को चेंज कर लेते हैं 60 दिन के बाद ही आपको नेम को अपने चेंज करना है, नहीं तो आपका चेंज नहीं होगा। तो आपको अगर नेम को चेंज करना है तो सिंपल से आपको इधर देखने को मिले फर्स्ट नेम ऊपर साइड में, इस पर क्लिक कर देना है। फर्स्ट नेम पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो मेरा फर्स्ट नेम यही रखना चाहता हूँ। एंड नीचे साइड में आपको देखने को मिले मिडिल नेम, तो मिडिल नेम मैं नहीं डालूंगा, आप चाहे तो डाल भी सकते। मैं इधर कोई सा भी नाम एक चूज कर लेता, जैसे कि मैं इधर अपने नेम को चेंज कर लिया। एंड आपको भी नेम को चेंज कर लेना है, जो आप रखे हैं वो आपको इधर लगा देना है। जैसे कि आप देख सकते हैं फर्स्ट नेम में इधर ऐसे ही रहे, क्योंकि मुझे अभी ऊपर वाला चेंज नहीं करना है फर्स्ट नेम। एंड नीचे साइड में शेयर नेम देखने को मिलेगा और बीच में आपको इधर मिडिल नेम देखने को मिल जाता है, आप चाहे तो मिडिल नेम ही लगा सकते हैं अगर आप लगाना चाहते हैं तो, ठीक है। एंड उसके जैसे कि मैं रिव्यू पर, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ऊपर साइड में मेरा नेम वो ईजिली चेंज हो गया है। आप चाहे तो इधर से कुछ डिस्कस भी कर सकते हैं, जैसे कि आप अपने नेम को फिर से अगर आप चेंज करना चाहते हैं यानी कि एडिट करना चाहते हैं तो आप इधर से एडिट भी कर सकते हैं। उसके बाद इधर आपको क्या करना है, इधर आपको देखने को मिले टू सेव दिस सेटिंग प्लीज़ इंटर योर फेसबुक पासवर्ड। तो इधर आपको क्या करना पड़ेगा, इधर आपको अपने फेसबुक का आईडी जो है उसका आपको इधर पासवर्ड आपको इधर डाल, जो भी आप अपने पासवर्ड को रखे हैं। एंड उसके बाद आप जैसे ही इधर अपने पासवर्ड को डाले, ऊपर साइड में आपको देखने को मिले चॉइस हाउ टू योर नेम विल बी अप्रूव योर, जैसे कि आप देख सकते हैं आप इधर से डिस्कस भी कर सकते हैं कि कौन सा आपको अच्छा है, ठीक है। वैसे मैं फिलहाल के लिए ऊपर वाला ही रखा हूँ। एंड उस पर इधर आपको क्या करना है, सिंपल से सेव चेंज पर क्लिक कर देना है।
सेव चेंज पर आप जैसे क्लिक करते हैं तो उधर आपको थोड़ा सा वेट करना है। वेट आप जैसे करते हैं तो जो कि आप देख सकते हैं मेरे नेम वो इजीली चेंज हो गया। सो आप इस तरीके से अपने फेसबुक का नाम उसे आप इजीली चेंज कर सकते हैं, जो कि मैंने इस वीडियो में आपको लाइव प्रूफ के साथ चेंज करके दिखा दी। सो आई होप फ्रेंड कि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहले बने तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या हो कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर जब भी वीडियो अपलोड करूंगा तो आप हमारी वीडियो सबसे पहले वॉच कर सकते हैं। सो फ्रेंड आज के लिए बस यही, मिलते हैं किसी से नेक्स्ट वीडियो में।